तो क्या आप सभी मेरी तरह एक्साइटेड हो एलिमिनेशन चेंबर 2021 के लिए? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि एलिमिनेशन चेंबर 2021 के बारे में, भाई जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पेपर व्यू रोड टू रेसलमेनिया के बीच में होने वाला है। रॉयल रंबल से रोड टू रेसलमेनिया हो गया शुरू, हमारे जो 30 मेंस एंड वुमेंस रॉयल रंबल मैच के विनर थे वो भी मिल चुके हैं, लेकिन रॉयल रंबल के बाद आएगा एलिमिनेशन चेंबर 2021 जहां पर मे बी एक नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच हो सकता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, WWE चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन लग सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे मैच कार्ड प्रेडिक्शंस या फिर कह लो अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये वीडियो मैं 4 तारीख को बना रहा हूं, 4 फेब को बना रहा हूं, तो भाई हो सकता है जो फाइनल मैच कार्ड हो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं या फिर हो सकता है ऐसी सिमिलर मैचेस हमें दिखाई दिए। तो भाई अब अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शन है तो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जरूरी नहीं कि यही मैचेस हमें फाइनल होते हुए नजर आए, लेकिन चलो ज्यादा मैंने बकबक कर लिया, 1 मिनट से पहले मैंने आपका ज्यादा वेस्ट कर दिया है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मसालेदार एंड कमाल की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इससे ज्यादा मसालेदार चीज बताना चाहूंगा जो कि भाई मेरा गेमिंग चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चैनल का नाम गेमिंग विद रोहन है, वहां पर आप सभी को मसालेदार एंटरटेनमेंट के साथ साथ मसालेदार कॉमेंट्री, मसालेदार गेम प्ले, मतलब भाई ट्रिपल मसालेदार चीजें होंगी। और अगर आप वो चैनल को मिस कर देते हो आप भरपूर एंटरटेनमेंट मिस कर दोगे। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप एक बार जरूर जाके मेरा चैनल चेकआउट करना गेमिंग वाला जिसका नाम है गेमिंग विद रोहन, आप उस चैनल के ऊपर आओ भाई के एंजॉय करेंगे, काफी धमाल एंड कमाल करेंगे। एंड एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू की भी वीडियोस पे काफी जल्दी आएगी, ऑलरेडी एज वर्सेस रोमन रेंस के जो वीडियो वो चैनल पर आ चुकी है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है जरूर जाओ इस वीडियो के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है एंड चैनल को जाकर करो चेकआउट। लेकिन बढ़ते हैं हमारे मैच कार्ड की तरफ, सबसे पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर द क्वीन शार्लट फेयर हमें फेस करते हुए नजर आ सकती है इस बार लेसी एवेंस का, जिनके साथ होंगे उनके फादर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर। तो हम सभी देख रहे हैं कि लगातार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये वाला फ्यूड हमें दिखाई दे रहा है और इस फ्यूड की शुरुआत तब हुई थी जब रिक फ्लेयर ने गलती से पहले शार्लट को हराया था एंड उसके बाद जानबूझ के रिक फ्लेयर सारी चीजें करने लग गए एंड उन्होंने हाथ थाम लिया इस बार लेसी एवेंस का। और मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से राइवलरी चल रही है और लेसी एवेंस के कारण जो आस्क एंड शार्लट फेयर है वो नंबर वन कंटेंडरशिप वाला मैच भी हार गई, ऊपर से उनके पास से वुमेंस की टैग टीम चैंपियनशिप भी चली गई, तो इसलिए फाइनली वो जगह होगी एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू जहां पर शार्लट फेयर को मौका मिल सकता है लेसी एवेंस को हराएंगी एंड फाइनली उनसे जितनी भी उनसे उनके कारण यू नो हारी हो मैचेस उसका लेंगी बदला। और एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर आई थिंक ये जो मैच कार्ड है वो आप ऑफिशियली कंफर्म कह सकते हो क्योंकि इस मैच के हैं 100% चांसेस। नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार होने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जहां पर बिगी हमें फेस करते हुए नजर आ सकते हैं अपोलो क्रूज का। अपोलो क्रूज बीच में कुछ इस तरीके से टीज कर रहे थे कि वो रोमन रेंस को करने वाले हैं ज्वाइन, चलो अभी फिलहाल तो वो रोमन इसको ज्वाइन कर नहीं पाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर अपोलो क्रूज को एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मे बी ये ट्रिपल थ्रेड मैच भी हो सकता है जहां पर सैमी ज़ेन भी इस वाली थिंग के अंदर ऐड हो जाए और फिर बिगी को इस ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर चैंपियनशिप को करना पड़े डिफेंड। अगर ये मैच नहीं होता तो सबसे ज्यादा चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बिगी वर्सेज अपोलो क्रूज के एक और मैच के हैं जहां पर शायद हमें अपोलो क्रूज न्यू चैंपियन भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार होने वाला US टाइटल का मैच जहां पर डोमिनेटर बॉबी लैशली फेस करते हुए नजर आएंगे द ओरिजिनल ब्रो रिडल का। तो रिडल वर्सेस लैशली का फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, हमें लगता है कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार रिडल US चैंपियन बन जाएगा, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार US चैंपियन बन जाएगा, लेकिन भाई बहुत लंबा टाइम हो गया और रिडल अभी फिलहाल US टाइटल मैच के अंदर ढंग से कंपीट कर ही नहीं पाए क्योंकि बॉबी लैशली या फिर मैच के शुरू होने से पहले उन पे हमला कर देते हैं या फिर जैसे ही मैच शुरू होता है 1-2 सेकंड बाद उन्हें हर्ट लॉक लगा देते हैं और भाई रिडल का हो जाता है काम 25। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार फिर से रिडल को मिल सकती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी WWE के एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर और शायद फाइनली एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू जगह हो सकती है जहां पर एक बड़े स्टेज के ऊपर हमें जो रिडल है वो न्यू US चैंपियन बनते हुए नजर आए और इसी के चलते लगातार रॉ के एपिसोड के अंदर हमें लैशली हराते हुए नजर आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं रिडल को। अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार एक इंटरजेंडर मैच हो सकता है जहां पर हमें द वाइपर रैंडी ऑर्टन फेस करते हुए नजर आ सकते हैं।
अलेक्सा ब्लिस का। एकदम सही सुन रहे हो, मैं एक इंटर जेंडर मैच की बात कर रहा हूँ, मेल वर्सेस फीमेल मैच की बात कर रहा हूँ इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर, जहां पर अलेक्सा ब्लिस हमें रैंडी ऑर्टन के सामने आती हुई नजर आने वाली, क्योंकि लगातार हफ्तों से इन दोनों के बीच फ्यूड चल रहा है। फीड की अभी तक रिटर्न हुई नहीं है WWE के अंदर, और हमने देखा था जो एज वर्सेज ऑर्टन का मैच हुआ था उसमें भी अलेक्सा ने किया था इंटरफेयर, और तब जाके रैंडी ऑर्टन हारे थे। तो इसका मतलब ये साफ है अभी फिलहाल WWE फीड वर्सेज ऑर्टन का फ्यूड नहीं बल्कि अलेक्सा वर्सेस ऑर्टन का फ्यूड दिखा रही है, और ये वाला मैच इसलिए होगा इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर ताकि इस मैच के अंदर हो सके फीड की रिटर्न, और फीड की जो रिटर्न है वो एकदम न्यू मास्क एंड न्यू गिमिक के साथ होने वाली है, एंड WWE उनकी धमाकेदार जो रिटर्न है वो प्लान करना चाहेगी। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये मैच हो सकता है इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर, जहां पर अलेक्सा ब्लिस हमें रैंडी ऑर्टन का एक मैच का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट मे बी करते हुए नजर आ सकती है। नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार एक तरह का वन वर्सेज ऑल मैच होगा, क्योंकि यहां पर आप सभी को द बॉस साशा बैंक्स अपनी इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के पॉड के मैचेस के अंदर टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आएंगी, जब उनके सामने होंगी टमीना, फॉर्मर चैंपियन बेली, रिया रिप्ली जो कि मेन रोस्टर का करेंगी अपना डेब्यू, प्लस कार्मेला भी होंगी एंड हो सकती है इस मैच के अंदर नटालिया। अब आई थिंक पॉड वाला जो मैच मैं कह रहा हूं यानी कि इलेमिनेशन चेंबर मैच, उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, चार कॉम्पिटिटर अंदर लॉक होते हैं पॉड्स के अंदर और दो कॉम्पिटिटर रिंग के बीचों बीच रेसल करते हैं, और ऐसे जो चैंपियनशिप मैच हैं पहले भी हमें WWE के अंदर दिखाई दिए हैं, और अगर नो डाउट ये वाला मैच होता है इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग चांसेस ये हैं कि साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगी या फिर रिया रिप्ली ले जाएंगी उनके पास से टाइटल, और मेरे हिसाब से इस वाले मैच के होने के चांसेस ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि WWE रिया रिप्ली को पुश देना चाहती है, और यहां पर जो पुश की शुरुआत है वो इनडायरेक्टली होगी जब रिया रिप्ली की इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और वैसे भी इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू हो रहा है, एक दो जो थीम मैचेस हैं वो तो जरूर से होंगे शो के ऊपर, तो शायद इसलिए साशा बैंक्स अपने टाइटल को एक इलेमिनेशन चेंबर मैच के अंदर हमें डिफेंड करते हुए नजर आ सकती हैं। नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार एक WWE चैंपियनशिप का मैच होगा, जहां पर हमारे स्कॉटिश वॉरियर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर अपने टाइटल डिफेंड करने वाले हैं द केल्टिक वॉरियर फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड शेमस के खिलाफ। हमने देखा था रॉकी एपिसोड के अंदर जब एज ने ड्रू मैकइंटायर को कन्फ्रंट किया था, शेमस आए थे एक्चुअल में ड्रू मैकइंटायर की साइड लेने के लिए, लेकिन अचानक से एज कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जिसके कारण जो शेमस है वो हमला कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर के ऊपर, क्योंकि एज भी ये सवाल उठाते हैं कि जो WWE चैंपियनशिप है वो कभी भी दो दोस्त नहीं बना सकती, क्योंकि जो सामने वाला तुम्हारा वो तुमसे जेलस करेगा और वो तुम पे आने वाले टाइम में अटैक जरूर करेगा। और जैसे रॉकी एपिसोड में ये सारी चीजें होती हैं बैक स्टेज प्रोमो के अंदर, ड्रू मैकइंटायर हमें शेमस का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आते हैं, एंड अब ड्रू मैकइंटायर रेडी चैंपियनशिप मैच के लिए, और आई थिंक इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर ये मैच हो सकता है जहां पर ड्रू मैकइंटायर हमें शेमस का फेस करते हुए नजर आए, एंड मे बी क्या शेमस न्यू चैंपियन बन पाएंगे देखने में काफी मजा आने वाला है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं हमारे सबसे बड़े मैच की तरफ जो कि हो सकता है नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए यूनिवर्सल टाइटल के लिए, क्योंकि रोमन रेंस वहां पर चैंपियनशिप डिफेंड करें ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैच होगा एक इलेमिनेशन चेंबर मैच जहां पर डैनियल ब्रायन, शिंसुके नाकामुरा, सिज़ारो, रिटर्निंग सेथ रॉलिंस, बैरन कॉर्बन एंड मे बी ओटे समय इस मैच के अंदर कंपीट करते हुए नजर आ सकते हैं। जो विनर होगा उसको मिलेगी एक टाइटल अपॉर्चुनिटी फास्ट लेन 2021 के पेपर व्यू के अंदर, जो कि WWE का एक आखिरी पेपर व्यू होने वाला है रेसलमेनिया 37 से पहले। मान लो अगर चैलेंज कर भी देते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 के लिए, तो भाई WWE जरूर से कैसा ट्विस्ट रखना चाहेगी कि क्या फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस अपनी टाइटल हार सकते हैं और मे बी एक नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच हो सकता है इलेमिनेशन चेंबर शो के अंदर, क्योंकि लगातार रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे देखने में ऐसा लगता नहीं कि इलेमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर भी वो हमें अपनी टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आने वाले हैं। और वैसे भी अगर मैं प्रीवियस सिनेरियोस की बात करूं तो ज्यादातर यही होता है यूनिवर्सल टाइटल कम डिफेंड होती है और यहां पर कोई नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच होता है, और शायद ऐसा कुछ मैच हो सकता है जहां पर सिज़ारो होंगे, नाकामुरा होंगे, डैनियल ब्रायन होंगे, सेथ रॉलिंस होंगे जिन्होंने रॉयल रंबल के अंदर अपने रिटर्न किए, और भाई बैरन कॉर्बन तो ज्यादातर मैचेस में होते ही हैं, आई नो वो हमेशा हारते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका मैच के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। मे बी ओटिस हो सकते हैं जो कि चैट गेबल से ले रहे हैं ट्रेनिंग, और कुछ ऐसा मैच कार्ड हमें दिखाई दे सकता है जो विनर होगा वो फेस करेगा सेथ रॉलिंस का, जो विनर होगा वो फेस करेगा रोमन रेंस का फास्ट लेन 2021 के पेपर व्यू के अंदर। तो भाई ये थे मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शंस, अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शंस इलेमिनेशन चेंबर 2021 के पेपर व्यू के लिए। अभी फिलहाल जिस तरीके से सिनेरियो देखने में यही लगता है कि फाइनल मैचेस कुछ इस तरीके से ही होने वाले हैं। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, इसके अलावा जैसी ये वाली वीडियो खत्म हो रही है आप
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा मेरे गेमिंग चैनल का। आप जाओ वहां पर अभी चेकआउट करो, काफी मसालेदार चीजें आपको वहां पर भी मिलेगी एंड मसालेदार कंटेंट। अगर आप नहीं देखोगे आप कर दोगे मिस। एंड ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नवे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।